हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कहते हैं कि जैसे बेबी हंसता है वैसे वैसे मॉम के बाल झड़ते जाते हैं। ऐसा एक्चुअली इसलिए होता है कि जैसे ही बेबी 3 to 4 months का होता है तो बॉडी में जो इस्ट्रोजन का लेवल होता है वो लो हो जाता है, और उसकी वजह से जो हमारी हेयर फॉल जो रुक गया था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो सारे बाल झड़ने लगते हैं। बालों का एक साइकिल होता है, जैसे कि पहले बाल ग्रो होते हैं, उसके बाद वो रेस्टिंग फेज में होते हैं, और उसके बाद वो गिर जाते हैं। तो जब हम प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि ये जो जो बालों का गिरना होता है वो रुक जाता है, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि हमारे बाल एकदम घने हो गए हैं और बहुत अच्छे हो गए हैं, तो उसकी वजह ये है। इसीलिए जब मेरा बेबी भी 4 महीने का हो गया था तब मेरे बाल एकदम से झड़ना चालू हो गए, और वो इतने ज़्यादा झड़ने लगे कि मुझे भी बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी कि मैं बालों का ये झड़ना कैसे रोक सकती हूँ। लेकिन ये नॉर्मल है, अगर आपके बाल भी झड़ रहे हैं तो ये नॉर्मल है, और ये झड़ना हो सकता है कि 4 से 5 महीने तक ये बाल आपके झड़ सकते हैं। अगर ये कुछ ज़्यादा ही झड़ने लगे तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। हम बालों का झड़ना नहीं रोक सकते, लेकिन हम बालों की केयर ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपके बाल रीग्रो हो सकते हैं। आप झड़ना नहीं रोक सकते हो तो बालों के नए बाल आपके आ सके, इसके लिए हम आज एक रेमेडी देखने वाले हैं। और यकीन मानिए, इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। एक्चुअली ये वीडियो मैं ये चीज़ यूज़ करने के बाद, जब बाल अच्छे घने हो जाएंगे 2-3 महीने के बाद, बनाने वाली थी, बट मुझे इसका फ़ायदा इतना तुरंत दिखने लग गया, 2 या 3 वीक्स में मुझे फ़र्क नज़र आने लग गया। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये चीज़ मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, तो ये मैंने वीडियो आपके लिए बनाया है। तो आप भी इसे यूज़ कीजिए, ट्राई कीजिए, और हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए देखते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बीइंग अ न्यू मॉम को, और हमारे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। ये तेल बनाने के लिए हमें चाहिए एक लाल प्याज, एलोवेरा, कैस्टर ऑयल, नारियल तेल और कुछ मेथी दाने। अब इससे हम रस निकाल लेंगे। इससे बहुत जल्दी इफ़ेक्ट होता है, मुझे तो सिर्फ 2-3 यूज़ में इसका इफ़ेक्ट दिखने लग गया था। मेथी में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है जो आपके बालों को मजबूत बनाता है। इसके बाद हमने ये ऑनियन लिया है, मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है, और अब इसका हम रस निकालेंगे। ऑनियन में बहुत ज़्यादा मात्रा में सल्फर होता है जिससे बाल रीग्रो होते हैं। ये हमारा रस तैयार हो गया है। इसके बाद हम एलोवेरा लेंगे। एलोवेरा एक बहुत ही अच्छा कंडीशनर है, और इसके फ़ायदे तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। ये बालों के लिए बहुत अच्छा है, इसे मैं एज अ कंडीशनर भी यूज़ करती हूँ बाल धोने के बाद। तो हम इसका अभी पूरा गर जो है, जेल है, वो निकाल लेंगे। ये हमारा एलोवेरा जेल तैयार हो गया है। अब इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, और ये बचा हुआ मैंने बालों को कंडीशनर के लिए, एज ए कंडीशनर यूज़ करने के लिए रख दिया। हमने एक पैन लिया है जिसमें हम कोकोनट ऑयल डालेंगे। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपके बालों में लगता हो। अब हम इस तेल को गरम कर लेंगे। जैसे ही तेल अच्छे से गरम हो जाता है, हम उसमें मेथी दाना डाल देंगे।
इससे मेथी दाने का जो अर्क है वो तेल में उतर आएगा, और मेथी तो आप मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होते हैं, तो हमारे बालों के ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, जिससे बाल का टूटना भी बहुत कम हो जाता है। अब हम ये तेल को इसमें डाल लेंगे, मतलब आप थोड़ा ठंडा होने के बाद भी डाल सकते हो। इसके बाद हम ये सारे सब मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें हम 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डालेंगे। इसे अब अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। ये तेल आप 2 घंटे के लिए लगा कर रख सकते हैं, क्योंकि ऑनियन का स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, थोड़ा ठंडा होता है, इसलिए ओवरनाइट ना रखें। इसे हफ्ते में 2 बार यूज़ करें। और ये तेल हमारा अब तैयार है। योगा।